मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का कल तक देहावसान हो चुका है। वे काफी दिनों से बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। जीवन भर वे संघर्ष रहे और अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए चाहे खेतों में काम करना पड़ा हो या क्या है, उनकी अंतिम यात्रा उनके निज निवास स्थल से प्रारंभ हो चुकी है। उस शहर को होती हुई यहाँ उनका यह अंतिम संस्कार का स्थल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ जपाई जा रही है। इस्कॉन मंदिर के लोग लगातार पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो तमाम VIP यहाँ पहुँच चुके हैं, लगातार कीर्तन किया जा रहा है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी देख पा रहे हैं। उनके परिवार के लोग, उनके जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो तैयारी में लगे। और आप देख रहे हैं कि यह अंतिम संस्कार वाले स्थल पर लगातार VIP लोगों का आना बना हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोग, चेतन कश्यप हैं, विश्वास सारंग है, वो साधु संत सारे लोग हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया यहाँ मौजूद हैं। उज्जैन की आम जनता हो चाहे VIP हो, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लगातार उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अंतिम यात्रा शहर होते हुए यहीं पहुँचेगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप जैसा कि बता सकें, हम बता कि डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव का निधन कल हुआ था। आज अंतिम संस्कार किया जाना है। शिवराज सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, राजीव शुक्ला हैं, मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी यहाँ आए हैं। यहाँ पे शिप्रा के किनारे जो भूखी माता क्षेत्र है वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार की जो तैयारियाँ अपनी पूर्णता की ओर है। इस्कॉन मंदिर उज्जैन द्वारा लगातार हरि कीर्तन किया जा रहा है। पूरी VIP के हिसाब से पुलिस अरेंजमेंट, प्रशासन का अरेंजमेंट और लगातार पूरी व्यवस्था है। और कुछ ही देर में अंतिम यात्रा यहाँ पहुंचेगी, संस्कार जाएगा, तमाम तैयारियां की जा रही है। और उज्जैन से संदीप कुमार, MP का।